तो हेलो, कैसे हो सारे ना? आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। बिना कोई टाइम गवाए अपन अपनी आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम बात करने वाले ESL डे 1 के बारे में। एंड अभी तक की जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स है वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट पे भी चल रही ऑरंगुटैन गेमिंग। एंड बाकी की जो स्टैंडिंग्स है वो पॉज करके पढ़ लेना। इसी के साथ साथ आप बताना कि आपको कौन सी टीम का गेम प्ले फर्स्ट डे पे पसंद आया। एंड अभी दो दिन बचे हुए यानी कि 12 गेम्स अभी बाकी है। अभी भी बहुत सारी टीम्स का कमबैक का चांस बाकी है। फिलहाल तो जो ग्लैडिएटर्स है वो अभी लास्ट पोजीशन पर चल रही है। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि जो लास्ट पोजीशन है उस पर ग्लैडिएटर जैसी टीम रहने वाली है। एंड ओजी ने इसी के रिगार्डिंग एक ट्रोल भी करा था ग्लैडिएटर्स के ऊपर। मतलब उन्होंने स्टैंडिंग से उनका उल्टा फोटो डाल दिया था। एंड मतलब वो ग्लैडिएटर्स को टॉप पे दिखाए थे फोटो उल्टा कर, जबकि वो 16th पोजीशन पे थे। एंड ये उनका हल्का सा ट्रोल था। एंड होपफुली जो ग्लैडिएटर्स उनका कमबैक आज हमें देखने को मिले, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है, इतना नीचे देख के उनको अच्छा नहीं लगता। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं बात करने वाले नियो के बारे में। तो जैसा कि हमको पता है एसपावर का एक इंटरव्यू हुआ था, वहां पर वो गोट के बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत लोग नियो को ऐसा बोल रहे थे कि जो एसपावर उन्होंने ट्रोल कराया पर जोनाथन को, तो इसी चीज का रिप्लाई करा था नियो ने। एंड रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो। ओमेगा ने जो मारा था उधर, मैं तो जान ये हो गया कि भाई पे जान ये हो गया कि तीन बंदे छोड़े, कोई ट्रेड ही नहीं लिया। सड़न लाला ने भी बहुत मारा स्टार्टिंग के मैचेस। हां मारा तो है। ओजी लैंड पे ओजी पूरा क्या हो जाता है, समझ नहीं आता मेरे को। अलग ही हो जाती है भाई ओजी। तुम देखो कोई भी लैन हो, ओजी परफॉर्म करती ही करती है। एसवाल ट्रोल जॉनी ने कि जो टीम का नहीं हो सकता, टीम का नहीं हो टीम के विरोध का है। एसवाल ट्रोल मेरे को तो कुछ फील नहीं हुआ। ट्रोल किसे ट्रोल किया? शायद से सबलिमिनल्स ले लिए उसने, शायद से सबलिमिनल शॉट्स जॉनी को, बट उसने डायरेक्ट कुछ ट्रोल नहीं किया। इनडायरेक्टली बोला रहेगा, डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला उसका। भाई बहुत बुरा लग रहा है, ESL है और गॉडल नहीं है। भाई सोचो हमको ऐसा लग रहा है आज कॉन्करर होगा। लेट्स सी कहाँ ट्रोल था भाई। वही तो एग्जैक्टली कंट्रोल तो मेरे को लगा नहीं। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिक्सेस के बारे में। तो फिक्सेस से लोग बोल रहे थे कि क्या जो प्लेयर्स है उनको कोई पिंग इशू फेस करना पड़ा है क्या अभी लैन इवेंट के अंदर। इसी के साथ साथ सोल के बारे में भी वो बात कर रहे थे, उनका रिप्लाई आप देख लो। तो ब्रो किसी को कोई पिंग का इशू नहीं था, कोई पिंग का इशू किसी को नहीं था। आज मैं बता दूं सारे टीम्स को मैंने पूछा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो सारे टीम्स के जो प्लेयर कैम्स आ रहे थे एक डोंगल टाइप का आप देख रहे होगे, एक सम काइंड ऑफ लैन डेक रहता था, तो सारे टीम्स को लैन वायर से कनेक्टेड है अडैप्टर पे, तो सबके पिंग कॉन्स्टेंट ऑन फ्लक्चुएट बिल्कुल नहीं कर रहे थे, तो पूरा A1 था। मैंने पर्सनली प्लेयर से ही पूछा, किसी को कोई पिंग का इशू भी नहीं था। ठीक है, तो स्टेबल पिंग और फोन तो A1 था। ब्रो सोल प्लेड सो बैड टुडे एंड स्टिल एट थर्ड पोजीशन, इमेजिन देम हैविंग जस्ट अ गुड डे। सैंडी भाई थैंक यू फॉर द 100 एंड आई डोंट थिंक बाय एनी मीन्स टीम सोल हैड एनी बैड डे। ठीक है, फर्स्ट गेम में तो रॉनी सर्वाइव कर गया, वो सारा चीज काफी अच्छे मिरामार गेम ऑलमोस्ट। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गेटिंग चिकन डिनर्स, इट्स ऑलवेज अबाउट बीइंग इन द रेस। एंड आपको ही पता है डे नंबर 2 डे नंबर 3 मेरी प्रेडिक्शन तो आईकू सोल ही थी, तो आई कैन ऑफ स्टिल स्टिक विथ इट। आई डोंट लाइक आई कांट चेंज बिकॉज आई फील कि दे आर स्टिल ऑन द राइट ट्रैक। एंड अब सोल के बारे में बात चली रही है तो मैं बात करने वाले ओजी एंड सोल के बारे में, जो इनके बीच में बैंटर एंड ट्रोलिंग हुई है उसके बारे में। एंड जिनको भी नहीं पता उनको बता दूं, जो सैनॉक है उसमें ओजी एंड सोल की फाइट हुई थी, जिसमें सोल है उन्होंने ओजी को ऑलमोस्ट 2 या 3 प्लेयर मार दिए थे, सिर्फ इकलौता प्लेयर बचा हुआ था ऐश। एंड फिर जो ऐश है उन्होंने 1v4 कर दिया था सोल को। एंड जो ओजी का ऑफिशियल हैंडल है उन्होंने इसी के रिगार्डिंग एक ट्वीट करा था, जहाँ पर उन्होंने लिखा था ब्रो एट देम फॉर ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स एंड डिनर। मान्य को नॉक करा, मान्य को फिनिश करा और अकेले ये प्लेयर ने आईक्यू सोल को बाहर निकालने का जिम्मा ले लिया है। यहाँ पे 3 प्लेयर आईक्यू सोल के फिनिश कर चुके हैं, सीजी भी यहाँ पे ट्रबल में, एंड वहाँ पे आईक्यू सोल को एश अकेले वाइप आउट। दिस इज कार्निवल गेमिंग। गॉब्लिन को थोड़ा सा डैमेज जरूर पड़ा बट वहीं पे एश द लोन सर्वाइवर फ्रॉम द ओजी ही गॉट रॉनी डाउन। नॉक तो करा है, फिनिश करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, बट एश ही इज गोइंग बिग। मान्य को नॉक करा, मान्य को फिनिश करा और अकेले ये प्लेयर ने आईक्यू सोल को बाहर निकालने का जिम्मा ले लिया है।
यहाँ पे तीन प्लेयर आईकोसोल के फ्रेश। एंड इसी का फिर एसएटीओएल ने रिप्लाई करते हुए लिखा था कि आपका ओपिनियन के पहले दुनिया ऐसी थी, आपके ओपिनियन के बाद दुनिया ऐसी है, मतलब आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता, ये एसएटीओएल का रिप्लाई था। फिर ओजी ने एक वीडियो डाल के इसका रिप्लाई करते हुए लिखा नीड सम करेक्शंस, एंड जो उनका रिप्लाई था आप देख लो, बेसिकली उनका कहना ऐसा था कि रश करने से पहले आईकोसोल की हालत ऐसी थी, रश करने के बाद ऐसी हो गई, मतलब खत्म ही हो गई, दिख ही नहीं रही, ये उनका रिप्लाई था। एंड यही ट्रोलिंग चल रही थी एसएटीओएल एंड ओजी के बीच में। एंड इस पर आपका क्या ओपिनियन आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो में आगे बढ़ लेते अपन, अब बात करते अपन एंटिटी के बारे में। तो जो ओजी इन्होंने अपने एक पोस्ट डाला था जहाँ पर उन्होंने लिखा था लैंड किंग्स फॉर अ रीजन, एंड इसी का फिर एंटिटी ने रिप्लाई करते हुए लिखा था अनऑफिशियल लैंड किंग्स फॉर अ रीजन। एंड अभी लैंड इवेंट चालू हुआ है तो ऐसे बैंटर एंड ट्रोल आपको देखने को मिलते ही रहेंगे, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मेरा गोल है 39,000 सब्सक्राइबर्स का, होपफुली इस महीने के एंड तक पूरा हो जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो में आगे बढ़ते अपना बात करने वाले सिड भाई एंड सोल के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि एक मैच रीहोस्ट हुआ था सैनोक का, जिसके अंदर पहले जी ने सोल को मार दिया था, एंड फिर अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन की वजह से मैच रीहोस्ट करना पड़ा था। फिर बहुत लोग बोल रहे थे कि सोल की वजह से मैच रीहोस्ट करा गया है, एंड गोल्डी भाई ने तभी क्लैरिफाई करते हुए अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर मैसेज डाल दिए थे कि एक टीम डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए जो मैचेस है उसको रिस्टार्ट करना पड़ा था। एंड सिड भाई ने भी पूरी चीज़ का रिप्लाई करा, उन्होंने लिखा कुछ लोगों को लगता है कि हम इतना ऊपर चले गए कि बाकी इंडस्ट्री से वी कैन फोर्स अ रिस्टार्ट इन अ बिग 1 करोड़ स्टेडियम इवेंट लाइक दिस वन, सबके ऊपर ही है दोस्तों बट इतने ऊपर नहीं है। एंड फिर ऋषि भाई ने रिप्लाई करते हुए लिखा था, फनीली रिप्लाई करा था उन्होंने, एंड उन्होंने लिखा था कि झूठ मत बोलो सेठ, मैंने तुमको देखा था कि तुमने एडमिन को 100 रुपये का नोट दिया था। फिर सेठ भाई ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि आप 500 का दो, बेस्ट ऑफ 3 करवा लेंगे। एंड ये सिड भाई का रिप्लाई था इस पूरे मैटर के ऊपर। एंड फिक्सर्स ने भी इस पूरी चीज़ का एक्सप्लेन करा था कि मैच रीहोस्ट क्यों हुआ था, तो उनका रिप्लाई भी आप देख लो। फिक्स बाय वन टीम, आई रिपीट, वन टीम गॉट डिस्कनेक्टेड व्हाइल लैंडिंग इन सैनहॉक एंड द मैच हैड टू बी ओके ओके, लेट मी रिप्लाई टू दिस, ओके आई विल टेल यू व्हाट हैड हैपेंड। तो आज सैनहॉक वाला जो गेम था वो रीहोस्ट क्यों हुआ, क्योंकि एक टीम डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक है। और रूल रहता है इनिशियल जब मैच स्टार्ट होता है अगर कोई टीम डिस्कनेक्टेड है तो लॉबी रीहोस्ट होती है, समझ रहे हो। और वो कोई भी टीम होती तो रीहोस्ट होता है, ये रूल है। आई थिंक आपको नहीं पता, जिन लोग को नहीं पता बता देता हूँ, ठीक है। रिमेंबर माई वर्ड, आई डोंट थिंक आईकोसोल प्लेड बैड लाइक दैट, दैट इज हाउ यू शुड बी। भाई इस पावर ने जो बोला जॉनाथन के बारे में था क्या, इट्स अ वेरी नाइस आंसर जो इस पावर ने दिया था, वेरी हम्बल आंसर। मेरा तो यही मतलब, ऑफकोर्स मैंने जॉनी और इस पावर दोनों को जो वन इन अ जनरेशन प्लेयर्स का मैंने टैग दिया था, तो डेफिनेटली एक एरा वो जॉनी का था। अब धीरे धीरे नए पीढ़ी आ रही है, काफ़ी सारे नए प्लेयर्स उभर रहे हैं, तो उनमें से चलो इस पावर अब सबसे गर्म चल रहा है, बाकी भी प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। आप फ्लॉक बात कर लो, एडमिनो बात कर लो, रॉनी नकुल, जो बहुत सारे नए नए प्लेयर्स भी देयर स्टेपिंग अप। तो हाँ आगे चल के धीरे धीरे अगर वो और ज़्यादा ऊंचाई छू ले तो क्या पता। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करना है 8-bit थक के बारे में। तो थक बात करते हैं अंडरडॉग्स के बारे में, एंड इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो। We hope for the best side. It's day one, too early. Day one means day zero. Yeah, this is a dry run. Let's speak after day one. Day one. Yeah, normally वही था, मैंने देखा है कि भाई. I think it's everything. Players adapt कर लेते हैं day one के बाद. Momentum की बात है यार, जो भी team day one में momentum ले जाती है वो generally they finish well. Okay, nice. तो आपको कुछ बोलना है underdog teams के लेके, जैसे कि मैं मेरा team लेके आया but नाम change नहीं कर पाया HH पे. नहीं, but ultimately I think it's not about underdog teams. Like you know, बोलते हैं underdog. हमको पता है कि डे वन के बाद टीम सोल जो अभी जो आईक्यू सोल है वो पोजीशन नंबर 3 पे चल रही है। एंड मायावी ने इसी के रिगार्डिंग एक स्टोरी डालते हुए रिप्लाई करा था, उन्होंने लिखा था वी विल ट्राई एंड डू बेटर टुमारो, एंड वो जो स्टोरी थी वो आप देख लो। हमने
एंड एट लास्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स के बारे में। तो आज ग्लोबल स्पोर्ट्स का जेटा के साथ मैच है, बेसिकली VCT पैसिफिक का आज उनका पहला मैच है। एंड सच बताओ तो मैं इस मैच के लिए 3 या 4 महीने से रुका हुआ था, क्योंकि मेरे को ग्लोबल स्पोर्ट्स के वैलोरेंट मैच देखना सही में बहुत पसंद है। अब बहुत दिनों बाद ग्लोबल स्पोर्ट्स की टीम VCT पैसिफिक खेलने वाली है, नई टीम के साथ खेल रही, पूरा का पूरा नया रोस्टर है, सिर्फ लाइटनिंग फास्ट को रिटेन किया गया था। अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। अभी बीच में से न्यूज़ भी आई थी कि जो ब्लेज किंग है, जो मतलब प्लेयर है जी के, उनको शायद कुछ वीज़ा इश्यू हो रहा है, इसलिए वो शायद नहीं खेल पाएंगे वाला मैच। एंड अब देखते हैं वो खेल पाएंगे या नहीं, ये तो अभी आज हमें 3:30 बजे पता चल जाएगा। 3:30 बजे ग्लोबल स्पोर्ट्स और जेटा का मैच है। एंड कौन कौन देख रहा है जी का मैच, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप वैलोरेंट को फॉलो करते हो तो VCT पैसिफिक में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, ये भी आप ज़रूर बताना। एंड अपनी आज की वीडियो कर लेते हैं पर खत्म। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।